समझदारी से हैंडल कीजिएगा, बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। जो पुराने धर्रे से चलते आ रहा है, आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। भूल जा रहे हैं पढ़कर, आप अगर भूल जा रहे हैं तो लोग इंसान को भूल जाते हैं, तो सिलेबस है। कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग को अगर समझदारी से हैंडल कीजिएगा, बहुत बेहतरीन नंबर आएगा हिस्ट्री से। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो जहां आप नौटंकी कीजिएगा, जो पुराने धर्रे से चलते आ रहा है, आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जैसे साउथ इंडिया का हिस्ट्री, आप बताइए, बिहार का एग्जाम एक रीजनल एग्जाम है, उसमें साउथ इंडिया क्यों पूछेगा? अगर पूछता भी है तो मेन चीज आपको पता होना चाहिए, पुलकेशिन हो गया, हर्षवर्धन हो गए, लड़ाई कब हुआ था, रिलेटेड वगैरह दो चार निपटा के निकल दिए ना, उगे खोरेगा सब कहां कहां से क्या क्या मिला है। तो पढ़ो, कितना क्वेश्चन आएगा, एक। आप उतना समय अगर आप किसी रिवीजन पे लगाते हैं तो उससे ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा। समझ में आ जाएगी, नहीं आ गया? हमको पॉलिटी में प्रॉब्लम है, भूल जा रहे हैं पढ़कर। अरे बाप रे बाप, कोई बात। आप अगर भूल जा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप रिवीजन नहीं कर रहे, रिवीजन नहीं करते। आप रिवीजन करते रहिए, नहीं भूल सकते। दुनिया का कोई चीज अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो नहीं भूलेंगे। रही बात भूलने की, तो लोग इंसान को भूल जाते हैं, तो सिलेबस है। चलता फिरता इंसान को लोग भूल जाते हैं, ये तो इतिहास भूगोल एक सब्जेक्ट है। भूले क्यों? क्योंकि दूरियां बढ़ गई। तो अगर किसी चीज से दूरी बढ़ेगी, आपको भूलना फिक्स है, चाहे किताब हो या बाकी। तो आप समझते हैं, नहीं समझा? आगे बढ़ जाए। आप मैट्रिक में देखिएगा, आपके बहुत सारे घनिष्ठ मित्र होंगे, उसमें से आधे याद हैं, आधा को तो ध्यानों नहीं आता है। और अगर ध्यान आता है, इट मींस आप बहुत जल्दी ही मैट्रिक पास किए, या तो बहुत ज्यादा खलिया बैठे हैं। इतना ध्यान रहता है? नहीं रहता है। जबकि आप देखेंगे तो ध्यान से देखना पड़ता है, भाई यही के साथ हम लोग मैट्रिक में। आप किसी चीज को जितना रिवीजन करते रहिए, आपको उतना ज्यादा देर तक याद रहेगा। मत कीजिए, भूल जाएगा।